क्लास 8 इंग्लिश। मैं आरएस प्रसाद सर आज आप लोगों को ग्रामर में मेकिंग सेंटेंस कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं मेकिंग सेंटेंस कैसे होता है, कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये पहला क्वेश्चन है आपका दिखाया वही क्वेश्चन है। तो इसमें पहले क्या लेते हैं हम लोग कि यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस, मतलब आपको यूज करना है इनको और इसको एक एक सेंटेंस बनाना है। तो आंसर है इसका, तो पहला ये ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब बहुत समझदार होता है। तो शंकर इज एन ऑनेस्ट बॉय, शंकर एक क्या है, चालाक बच्चा है, मतलब ऑनेस्ट में ईमानदार कहना चाहिए, चालाक कहना चाहिए, जो भी है। चलिए नंबर दो है फेमस फोर, किसके लिए प्रसिद्ध है ये, तो साइप्रस वाज फेमस फॉर इट्स पोस्ट एंड पेंटर्स। थर्ड है आपका पनिश, मतलब दंड देना, द किंग डिड नॉट पनिश द रॉ। फोर्थ है विश, इच्छा के लिए होता है, द कंट्री चाइल्ड विशेस टू लाइव इन अ टाउन। नेक्स्ट है सन, तो सन द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूरज पूरब में निकलता है। ये सन है सन, ये तो सन सूरज के लिए, ये सन हो गया बेटे के लिए। जॉन इज डॉक्टर स्मिथ सन, नाउ मीट मिलने के लिए होता है। सो मोहन एंड हमीद मेट इन द पार्क, मीट है। सो पैरट डू नॉट ईट मीट, ये मीट जो है दूसरा मीट होता है, खाने वाला होता है। चलिए आगे देखते हैं नॉन वेज को कहते हैं इसको, ये ब्रेव है ब्रेव। सो विलियम टेल्स सन वाज अ ब्रेव बॉय, बहादुर बच्चा जिसको कहना चाहिए। प्राउड गर्व के लिए है, आई एम प्राउड ऑफ माय कंट्री, मुझे अपने कंट्री यानी के देश पर गर्व है। लव के लिए, ये तो सभी जानते हैं बच्चों, आई लव माई स्कूल वेरी मच, मैं अपने स्कूल को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। सो नेक्स्ट नंबर आता है ड्रीम, सपने के लिए होता है। तो रोहन टोल्ड हिज बेस्ट ड्रीम टू हिज फ्रेंड्स, ड्राई सूखे के लिए है, प्लीज ड्राई योर वेट क्लोथ सून, अपने भीगे हुए कपड़े जल्दी सुखाइए। एवर हमेशा के लिए होता है, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, क्या तुम हमेशा के लिए दिल्ली में हो। सेफली सुरक्षित है ये, द बॉयज रीचेस होम सेफली, बच्चे घर पर सुरक्षित पहुंचे। अगली भद्दे के लिए होता है, सीता इज एन अगली गर्ल, सीता एक भद्दी चेहरे वाली लड़की है। क्रूर निर्दयी होता है, डायनेसियस वाज अ क्रूर किंग, डायनेसियस जो है बहुत ही निर्दयी राजा है। विल्ड जंगली होता है, टाइगर इज अ विल्ड एनिमल। हैवी हैवी मीन्स भारी होता है, द ट्रंक वाज वेरी हैवी, ट्रंक जो है बहुत भारी है। चलिए आगे आते हैं ड्रिंक है, ड्रिंक मीन्स क्या होता है, पीने के लिए होता है। वी शुड ड्रिंक प्योर वाटर, हम प्योर पानी पीते हैं, हमें प्योर पानी पीना चाहिए। चलिए अगला है जेंटलमैन, जेंटलमैन तो क्या मतलब, आदर्श व्यक्ति के लिए होता है। That gentleman was a police inspector. That gentleman was a police inspector. चलिए अगला देखते हैं picnic. Picnic, the boys and girls of class 8 went to Delhi Dam for picnic. Delhi Dam पे picnic के लिए गए लड़के और लड़कियां, कौन सी क्लास की, 8 क्लास की। So enjoy, खुशी मनाने के लिए होता है। So John enjoy the holidays in India. India में आजकल छुट्टियां व्यतीत कर रहा है, enjoy कर रहा है। Marigold, marigold is a beautiful flower. In front of he lies in front of my house. Next है kindness, kindness के लिए देखते हैं। Pupil perished Ranti Devi, देवा रंती देवा फॉर हिज काइंडनेस। इजी आसान के लिए होता है, ऑल द टास्क वर इजी फॉर द रन,
इसके बाद आता है टॉल, लंबे के लिए होता है मिस्टर जॉर्ज वाज वेरी टॉल। सात तीक्ष्ण के लिए होता है टिनी मैन्स एरोज वर वेरी शार्प। सैड सैड जो है दुखी के लिए होता है मोहन लॉस्ट हिज पेन सो ही वाज वेरी सैड। चलते हैं हम अपोजिट वर्ड्स की तरफ, देखते हैं क्या है अपोजिट वर्ड्स में। ये आपका सेकंड है क्वेश्चन, गिव द अपोजिट वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग्स। इसके हमें अपोजिट वर्ड्स देखने हैं, तो ये आंसर से बच्चों ये वर्ड दिया गया है, यहाँ पर आंसर से सबसे पहला नंबर आता है हैप्पी। हैप्पी का होता है अनहैप्पी, खुश ना खुश। अगला है इजी। इजी का जो वर्ड होता है अपोजिट डिफिकल्ट। इजी मीन्स आसान, डिफिकल्ट मीन्स कठिन होता है। थर्ड है बैड। बैड का क्या होता है, बुरा होता है, उसका जो अपोजिट होता है दैट इज अ गुड, अच्छा होता है। लकी अनलक्की हो जाएगा, यानी भाग्य और दुर्भाग्य ऐसा हो जाएगा। बिफोर मीन्स होता है पहले और ये होता है आफ्टर बाद में। चलिए पुअर है गरीब के लिए होता है, इसका अपोजिट वर्ड है रिच, रिच मीन्स अमीर। फार मीन्स होता है दूर, अपोजिट वर्ड नियर, पास के लिए होता है यूज। न्यू मीन्स नया होता है, तो अपोजिट क्या होगा ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना हो जाएगा। लव प्यार करना होता है, हेट घृणा करने के लिए होता है, अपोजिट वर्ड है ये। ब्यूटीफुल सुंदर के लिए अगली, बद्दा उसका होता है। और स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का क्या होता है वीक होता है, अपोजिट वर्ड। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, वीक मीन्स कमजोर। वाइस बुद्धिमान के लिए है, पुलिस बेवकूफ के लिए होता है, तो ये अपोजिट वर्ड हो गया इसका। चलते हैं नेक्स्ट अपोजिट वर्ड के लिए। फास्ट है, फास्ट में तेज होता है, तो स्लो हो जाएगा धीरे धीरे। हाई ऊंचा है, तो हाई का अपोजिट क्या होगा लो, नीचे के लिए। पनिश मतलब दंड देना, रिवार्ड मीन्स पुरस्कार देना। बिग मीन्स बड़ा है, तो इसके लिए स्मॉल होगा जो कि छोटा होगा। नाइट मतलब रात के लिए हो गया, तो अपोजिट इसका डे होगा, दिन। काइंड दयालु के लिए होगा, अपोजिट इसका क्रूर होगा, निर्दयी। एनिमी शत्रु हो गया, तो इसका अपोजिट फ्रेंड होगा, मित्र के लिए। अर्ली जल्दी के लिए है, तो इसका अपोजिट होता है लेट, देर से। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वर्ग के देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू वन बोल्ड वर्ड। इसमें जो बोल्ड वर्ड है, जैसे यहाँ ये बोल्ड वर्ड है आंसर, ये ब्रेव है और ये फर्स्ट है और ये हेट है, इनके अपोजिट वर्ड यहाँ पे भर रहे हैं। चलिए हम एक एक देखते हैं। आई कैन आंसर योर क्वेश्चन, तो यहाँ आ जाएगा क्यू यू ई एस टी आई ओ एन, क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए मोहन इज ब्रेव वाइल हिज ब्रदर इज कॉवर्ड, इसका हो जाएगा सी ओ डब्ल्यू ए आर डी कॉवर्ड। सी पार्ट है इट इज माई फर्स्ट एंड वार्निंग, तो लास्ट वार्निंग का, क्योंकि फर्स्ट का अपोजिट लास्ट होता है, तो एल ए एस टी लास्ट हो जाएगा। डी वाला देखते हैं, राम हेट्स कैट बट डॉग्स, हेट्स का अपोजिट क्या होता है लव्स होता है, तो एल ओ वी ई एस ही लव्स डॉग्स, यानी राम हेट्स कैट बट लव डॉग, बिल्ली से जो है घृणा करता है और डॉग से प्यार करता है, कुत्ते से प्यार करता है। चलिए आगे देखते हैं बी में। ये माई शर्ट, इसमें ये लूज दिया हुआ है, लूज का अपोजिट लेना पड़ेगा, लाइट का अपोजिट, वेस्ट का अपोजिट, फास्ट का अपोजिट और हॉट का अपोजिट इसके अंदर भरने हैं। चलिए एक एक देते हैं। माई शर्ट इज लूज बट योर इज टाइट, सो यू कैन राइट हियर टी आई जी एच टी टाइट। सेकेंड लेते हैं, माई बॉक्स इज लाइट बट योर्स इज हैवी, इसका अपोजिट हैवी हो जाएगा, सो इसपे लेंगे एच ई ए वी वाई। थर्ड है आपका सी, द सन सेट इन द वेस्ट बट राइजेस इन द ईस्ट, वेस्ट का ईस्ट हो जाएगा, सो यू कैन राइट हियर ई ए एस टी। डी है आई एम फास्ट इन रीडिंग बट माई ब्रदर इज फास्ट का स्लो होता है, सो यू कैन राइट एस एल ओ डब्ल्यू स्लो, यानी कि धीमे धीमे करता है, लिखता है, पढ़ता है। ई आगे आएगा, द समर इज हॉट बट द विंटर इज विंटर, मतलब क्या होता है हॉट का कोल्ड हो जाएगा, सो यू कैन राइट हियर कोल्ड सी ओ एल टी।
चलिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड्स। तो अंडरलाइन वर्ड्स कहाँ है ये आपको दिखाना है और इसका भरना है। चलिए इसमें देखते हैं। ये आपके नीचे मैंने अंडरलाइन करके दे दिए हैं जिन वर्ड्स के लिए इसमें अपोजिट वर्ड भरने हैं। तो शार्प है यहाँ पे ग्रेव है, यहाँ राइसिस है और यहाँ पुअर है। तो चलिए भरना चालू करते हैं। इसमें सबसे पहले माई पेंसिल इज शार्प बट योर इज लॉन्ग, यहाँ पे क्या लिखेंगे लॉन्ग। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड है द राजपूत आर नॉट दे आर ब्रेव। तो कोवर्ड है यहाँ पे COWARD कोवर्ड। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ईस्ट राइजेस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेट्स हो जाएगा। सो SETS सेट्स इन द वेस्ट। लॉन इज अ पुअर मैन बट मोहन इज पुअर से रिच हो जाएगा। सो RICH रिच आ जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे अपोजिट नंबर्स पे। जब ये अपोजिट नंबर्स को देखते हैं क्या है ये चेंज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी सिमिलर है तो उसको प्लूरल में चेंज करना है। तो ये आंसर है बच्चों देखो सिमिलर है इसका प्लूरल बनाया गया है, यानी एक वचन और बहुवचन हिंदी में बोलते हैं इसको। तो पहला नंबर है चाइल्ड, चाइल्ड का क्या हो जाएगा चिल्ड्रन हो जाएगा। सो ध्यान रखना बच्चों चाइल्ड में से एक है बच्चे के लिए और चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चों के लिए यूज करते हैं। लव, लव का होता है लव्स। इसके बाद टूथ, टूथ का होता है टीथ। माउस, माउस का होता है माइस, माउस में चूहा होता है। सीप, भेड़ है तो इसका सीपी रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। चलिए लीफ है, लीफ में लीव्स हो जाएगा आपका। और कंट्री है, कंट्री का प्लूरल क्या होगा कंट्रीज होगा। वाई को हटा करके, इस वाई को हटा करके IES लगा दिया जाता है। बॉक्स है तो बॉक्स में ES लगा दीजिए, बॉक्सेस हो जाएगा प्लूरल होगा। मैन का प्लूरल जो होगा मैन हो जाएगा, MEN इधर MAN है, ए को ई से कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। की, KEY हो गया, इसमें S लगा दीजिए कीज हो जाएगा ये। काल्फ है CALF, इसमें F को हटा करके VES लगाना है तो काल्फ हो जाएगा ये। इसके बाद सिटी है, इसमें Y आ गया तो Y की जगह IES लगा दीजिए तो सिटीज हो जाएगा। क्लास का प्लूरल क्या होगा क्लासेस हो जाएगा। नाइफ का प्लूरल हो जाएगा नाइफ हो जाएगा, क्यों FE को हटा करके VES लगा दिया गया है। नेक्स्ट में भी देख लेते हैं जरा क्या है। 15 नंबर है फूट है, फूट का फीट हो जाएगा। इसके बाद है मिल्क मैन है, मिल्क मैन का प्लूरल क्या होगा मिल्क मैन हो जाएगा। ए की जगह क्या हुआ ई आ जाएगा यहाँ पे, बस बाकी सब सेम है। DER है, इसमें नो चेंज, डीआर ही रहता है प्लूरल इसका। मॉन्की MONKEY तो इसमें क्या लग जाएगा वाई के बाद एस लग जाएगा, मॉन्कीज हो जाएगा ये। स्टोरी वाई आ गया, वाई की जगह हटा के IES लगा देंगे तो स्टोरीज आ जाएगा, इसका प्लूरल क्या होगा स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट वोमेन, वोमेन में ओ को हटा करके, ओ को नहीं हटाते बच्चों ई को हटाते हैं, ए को हटा करके ई दे लेते हैं तो वोमेन हो जाएगा ये। तो ये औरत के लिए हो गया, यानी कि प्लूरल के लिए, बहुत सारी औरतों की यहाँ औरत के लिए। ऑक्स है, ये ऑक्स का क्या हो जाएगा ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सन, ये ध्यान रखना बच्चों ये प्लूरल में ऑक्सन हो जाता है, ई एन लगा, ये अपना अलग ही अनूठा वर्ड आया ये, इसको ऐसे वर्ड को याद कर लेना चाहिए। ब्रश का ब्रशेस हो जाएगा तो SH है यहाँ पे ES लगा दिया प्लूरल के लिए। वाइफ है, वाइफ का वाइफ हो जाएगा, FE की जगह VES लगा दिया गया, देखो यहाँ VES लगा दिया किसकी जगह इस FE की जगह पे तो वीव्स हो जाएगा ये। तो आगे आता है टॉय, तो वाई आ गया, इसके आगे एस लगा देना है तो वॉयस हो जाएगा। बॉय है, बॉय का वॉयस हो जाएगा। इस तरह से प्लूरल हम कर सकते हैं। ये आज मैं यही समाप्त कर रहा हूँ बच्चों। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ये ग्रामर की सीरीज चलती रहेगी आप लोगों की और इसमें ट्रांसलेशन वगैरह सब कुछ आएंगे, इसलिए मेरे वीडियो को देखते रहिए और
आप लोगों का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।